राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को महानगर पालिका की ओर से कोविड-19 अवधि के दौरान सहयोग करने वाले सभी लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महापौर दयाशंकर तिवारी और उप महापौर मनीषा धावड़े उपस्थित थी। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को संकट की स्थिति दिखाई। तालाबंदी में स्थिति और विकट हो गई। शुरुआत में नागपुर शहर में इसी तरह की स्थिति का डर था, लेकिन शहर में गैर सरकारी संगठनों ने आगे आकर इस सेवा को अंजाम दिया। एक और अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल टीम मरीजों की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वेच्छा से कोरोना वॉर जीतने के लिए घर में मौजूद लोगों की मदद की। इन्हीं सभी लोगों का नागपुर महानगर पालिका की ओर से शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऋषिबाग स्थित कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर महापौर दयाशंकर तिवारी उपस्थित थे। इस वक्त नितिन गडकरी ने भाषण के माध्यम से इस संदर्भ में अधिक जानकारी दी। और हिंदी का जो उनका वक्तृत्व है और जो साहित्यिक और काव्य प्रतिभा है, वो उनके अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। असामान्य ऐसी क्षमता उनके पास है। बहुत बार मैं उनको भी और बाकी लोगों के देश में इस प्रकार की अपनी बात को रखने के वाले बहुत कम लोग हैं जिसमें उनका नंबर लगता है, और इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष हुए कार्य को जैसे आपके सामने एक तस्वीर खड़ी करना है उस प्रकार से आपके सामने रखा है। मैं भी इस सब कार्यकाल में ये शहर के ऊपर, देश के ऊपर जो संकट आया वो भी नज़दीक से देख रहा था, और एक एक संकट के ऊपर कैसे काम हो रहा था वो भी देख रहा था। और इसलिए निश्चित रूप से इस काम में हमारे समाज में सभी लोगों ने जात पंथ धर्म भाषा सेक्स इसका विचार न करते हुए विशेष रूप से सभी लोगों ने खूब काम किया है। इसमें उन्होंने अभी कहा कि जब समय ये शुरुआत हुई तो फॉरेन से कोई एक परिवार आया था और उनके घर में कोविड हुआ था, तो संदीप जोशी उस समय महापौर थे, तो जो शंकर नगर में रहते थे ये शायद पहले 2-4-5 जो कोविड निकले उनमें उसमें उनका नंबर था, तो उनके घर कोई दूध वाला दूध देने के लिए तैयार नहीं था, कोई घर पहुंचने के लिए तैयार नहीं था, ऐसी स्थिति थी। इस दौरान मंच पर विधायक गिरीश व्यास, कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके, उप महापौर मनीषा धावड़ी, स्थायी समिति सभापति पिंटू झलकी, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनपे, मनपा आयुक्त राधाकृष्ण भी मौजूद थे। वहीं पुलिस उपायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर इंदिरा चौधरी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक अजय किवालिया, बसपा नेता वैशाली नारनवरे, पूर्व महापौर नंदा जिस्कार, परिवहन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बोरकर, कानूनी समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम, महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संगीता गिरहे, पार्षद रूपा राय, रूपाली ठाकुर, पार्षद कमलेश चौधरी, सुनील अग्रवाल, राजेंद्र सोनकुसरे, संजय बंगले, अभय गोदकर, निशांत गांधी, सुनील अग्रवाल, भगवान मेंडी, नागेश सहारे, नागेश मानकर, अपर आयुक्त जलज शर्मा, अपर आयुक्त राम जोशी, संजय निपानी प्रमुखता से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।